हमारी हड्डियां मूवमेंट करती हैं, इनसे जुड़े हुए मसल्स के कारण से। मांसपेशियां दरअसल सिकुड़कर और फैलकर हड्डियों को भी मूवमेंट करवाती हैं, और ये जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी रहती हैं, जिन्हें टेंडन्स कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू पूरे शरीर भर में होते हैं, जो मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, मांसपेशियों को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, हड्डियों से जोड़ते हैं और कई सारे चीज़ों से। ये बिल्कुल ग्लू की तरह होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए तो इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम। अगर ये मांसपेशियां नहीं रहेंगी तो हम कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मांसपेशियों में ही नर्वस टिश्यू का इनर्वेशन होता है, जो ब्रेन से सिग्नल देते हैं मसल को सिकुड़ कर या फैल कर हमारे हड्डियों को मूवमेंट करवाने के लिए। तभी हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं या खा पाते हैं। अब जरा इमेजिन करो कि अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां रह ही न जाएं, ये मांसपेशियां और कनेक्टिव टिश्यू बदलकर हड्डियों में तब्दील हो जाएं, तब क्या होगा? तब क्या हम मूवमेंट कर पाएंगे? तब हम बिल्कुल अकड़ कर रह जाएंगे, बिल्कुल एक पत्थर या एक लकड़ी की तरह दिखेंगे, जो न चल सकता है, जो न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक ऐसे ही कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में केवल 800 लोगों को ही है, और ये एक रेयर जेनेटिक बीमारी है। पहले मैं आपको बीमारी का नाम बता देता हूँ। बीमारी का नाम है फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकांस प्रोग्रेसिवा, जिसे शॉर्ट में स्टोनमैन डिजीज कहते हैं। अब ये बीमारी हो कैसे जाती है, यही जानना रोचक होगा। देखिए, ये बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, एक जीन है हम सभी के अंदर, जिसे कहते हैं ACVR1 जीन। जब ये जीन हमारे अंदर फॉल्टी आ जाता है, तब दरअसल ये ACVR1 जीन जो प्रोटीन बनाता है वो भी डिफेक्टेड होता है। ये म्यूटेशन वाला जीन हमारे अंदर आता कैसे है? अगर माता या पिता दोनों में से किसी एक के अंदर भी ये डिफेक्टिव जीन होगा और वो बच्चों में पास हुआ, तो ऐसे में बच्चों में एक खतरनाक बीमारी अपना रूप दिखाएगी ही दिखाएगी। मतलब ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। दरअसल ये जो प्रोटीन बनता है, ये हमारे स्टेम सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू से ही आने वाले डैमेज सेल के प्रोटीन एक्टिविन ए से बाइंड हो जाता है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू की सेल लगातार चलने या काम करने पर डैमेज होती रहती हैं, मरती रहती हैं। इनके लिए नए सेल को बनाने के लिए स्टेम सेल की आवश्यकता होती है, जो कि आकर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल में परिवर्तित हो सके। लेकिन क्या होता है कि जब ये डिफेक्टिव जीन इन स्टेम सेल के ऊपर डिफेक्टेड प्रोटीन बनाता है, तब जो सेल दरअसल कनेक्टिव टिश्यू के सेल में परिवर्तित होना था, वो बोन सेल में बनकर कनेक्टिव टिश्यू में इकट्ठा होने लगती है, और हमारा कनेक्टिव टिश्यू ऑसिफाइड हो जाता है, यानी ये बोन में बदल जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा जो मूल स्केलेटन है, उसके ऊपर भी एक और स्केलेटन का निर्माण हो जाता है, यानी जो मांसपेशियां हैं और कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो भी अब बोन बन जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल अकड़ जाता है। बीमारी के सिम्टम्स दिखना अर्ली चाइल्डहुड से ही देखने को मिलता है, जब कंधे और गर्दन बिल्कुल अकड़ कर बिल्कुल लकड़ी की तरह बन जाते हैं उनकी मांसपेशियां, मूवमेंट धीरे धीरे बंद होने लगता है। बच्चों में ये बीमारी पैदा होते ही देखी जा सकती है, जब उनके पैर के अंगूठे बड़े से दिखते हैं और बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके शरीर के बाकी के भी जो मांसपेशियां और कनेक्टिव टिश्यू है, वो ऑसिफाइड होते रहते हैं, यानी वो बोन्स में बदलना लगातार जारी रहता है। बोलना और खाना ऐसे बीमारी में लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो मसल चबाने में मदद करती है, वो बिल्कुल रिजिड हो जाती है, बिल्कुल कठोर सी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर केयर करने के बाद भी 40 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाते हैं। खैर, अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ मैनेजमेंट है, जिनमें से जीन थेरेपी भी शामिल है, पर इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कहा जाता है। अगर 20 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से केवल एक बच्चा है इस बीमारी से पीड़ित देखा जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देना मत भूलिएगा।